शान, आज तो आसमान काफी साफ है, बहुत मजा आने वाला है आज सितारे देखने का। वाह, बिल्कुल, शायद आज हमें कोई स्टार क्लस्टर ही नजर आ जाए। ओह माय गॉड, हाँ, और शायद कोई शूटिंग स्टार भी। चले रुशांत, सब सेट हो गए, पहले आप देखेंगे कि मैं। मैं प्लीज 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 मैं। अच्छा, ठीक है रुशांत, हौसला, एक्साइटमेंट में कहीं टेलीस्कोप भी ना हिला देना। आई आई कैप्टन। Let's keep burning those calories while we move. मुझे तो स्टार्स बड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक टेलीस्कोप तो नहीं हिल रही? वो मैंने कहा था ना रुशान, थोड़ा ख्याल से देखना था। लाओ दिखाओ मुझे। ले ठीक ही तो है सब कुछ, कुछ भी नहीं हिल रहा। With a rock ready to the... डॉक्टर साहबा, गुस्सा ना कीजिएगा, मुझे शायद मेरा ही सर जो है ना वो चकरा रहा है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा हिलते हुए बल्कि डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ रुशान, तुम्हें तो डांस करते हुए नजर आएंगे। और देखो फोन ये। अच्छा मैं ना पानी पी के आता हूँ, तो आप ना जरा मेरा इंतजार कीजिएगा। शुक्र है मेरी भी कहीं बारी आई। पता नहीं रुशान को क्या ही नजर। Do it again. Step tap right. हैं? ये तो सचमुच डांस कर रहे हैं। क्या मैं भी बहुत फोन देखने लग गई हूँ? Live long enough and you'll see everything. Stars. बड़े बड़े से रोशनी के गोले जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हुए होते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ रोशनी के गोले हैं तो आसमान में हमें इनकी रोशनी स्टेडी सी क्यों नहीं दिखती? यानी ये हमें टिमटिमाते हुए या ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं? रुशान, हर वक्त मैं ही ये सब जवाब देती हूँ, तो इस दफा क्यों ना आप हमें इस बारे में कुछ बताएं? जी हाँ, क्यों नहीं। हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। इनमें से जो सबसे निचली लेयर है, जो यानी जमीन की सरफेस के सबसे करीब है, ये वो लेयर है जहां पर हम सांस लेते हैं, जहां पर बर्ड्स उड़ती हैं, जहाज उड़ते हैं। अब इन मुख्तलिफ लेयर्स को आप किसी केक की लेयर का भी इमेजिन कर सकते हैं। वैसे केक का नाम सुन के मुझे थोड़ी सी भूख लग गई। खैर, इन सब का स्टार्स की ट्विंकलिंग से क्या ताल्लुक है? तो जनाब, ये ही तो लेयर्स हैं जिनका स्टार्स की ट्विंकलिंग से ताल्लुक है। वो कैसे? वो ऐसे, जब दूर दराज किसी बेचारे सितारे की रोशनी स्पेस में ट्रेवल करके जमीन की सबसे पहली लेयर के अंदर दाखिल होती है, तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जब वो अगली लेयर में दाखिल होती है तो फिर थोड़ी सी और बेंड या रिफ्रैक्ट हो जाती है, और फिर जब उसके बाद अगली लेयर में दाखिल होती है तो वो थोड़ी सी और बेंड हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बेंड हो जाती है। इस तरह वो बेंड होते होते लेफ्ट एंड राइट मुख्तलिफ लेयर्स में से बेंड होते होते। स्टॉप दिस इंस्टेंट। ओहो ओहो, ये क्या कर रहे हो रुशान? किधर निकल जाते हो बात करते करते? सो जैसे रुशान ने हमें बताया, स्टार्स से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स में गुजरने से बेंड होती है। साइंसदान के पास इस बेंडिंग के लिए एक वर्ड भी है, और वो वर्ड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब आप खुद ही सोचें कि जब स्टार से आने वाली बेचारी थोड़ी सी लाइट इधर उधर होती रहेगी तो कभी ये हमारी आंख में ज्यादा और कभी कम आएगी। यही वो वजह है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो जल्दी जल्दी से हमें ब्राइट डिम होते हुए नजर आते हैं, और इसको हम ट्विंकलिंग कहते हैं। Look it up. काले नाती टुकड़ा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ट्विंकलिंग भी नहीं होगी। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप एक दिन एस्ट्रोनॉट बनके स्पेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पेस से जब आप स्टार्स को देखेंगे तो स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे। स्टार्स बिल्कुल स्टेडी, एक कांस्टेंट रोशनी आपको उनकी दिखेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तस्वीर में आप स्टार्स को देखते हैं।
तो ये कितनी अजीब सी बात है कि अगर आप स्पेस में जाके कायनात को देखेंगे तो वो बिल्कुल स्टार्स रुके हुए बगैर ट्विंकलिंग के आपको दिखाई देंगे। That's crazy. गर्मियों में जो एक चीज आप बहुत आसानी से देख सकते हैं रोज रात को, वो है समर ट्रायंगल। जी हाँ, अगर आप रात में आसमान में ऊपर देखेंगे तो आपको तीन चमकीले तारे एक ट्रायंगल बनाते हुए दिखेंगे। इनका नाम है डेनेप, वेगा और ऑल्टेयर। मजेदार बात यह है कि यह तीनों ही तारे अलग अलग कॉन्स्टेलेशन के हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। आसमान में जो स्टार्स इस तरह का पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम एस्ट्रिज्म कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन नहीं। दोनों में फर्क क्या है? कॉन्स्टेलेशन हमारे आसमान में 88 हैं, तो पूरे नाइट स्काई को 88 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और जो एस्ट्रिज्म है वो स्टार्स के पैटर्न है, जैसे कि जो हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है उसमें जो हमें काइट का पैटर्न दिखता है उसे एस्ट्रिज्म कहते हैं। तो समर ट्राइंगल एक कॉन्स्टेलेशन नहीं बट एस्ट्रिज्म है। इसके अलावा आप एक और एस्ट्रिज्म आसमान में देख सकते हैं जो कि है सेगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में। इसको हम टी पॉट कहते हैं क्योंकि ये एक चाय की केतली ऐसा दिखता है। और सबसे अच्छा दिन होगा 2021 की जुलाई वाला, क्योंकि उस दिन चांद एकदम टी पॉट के पास ही दिखने वाला है। हमें कैसे पता है कि बाकी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम तो कभी उधर गए नहीं। फॉर एग्जांपल जुपिटर पे एक सेकंड भी बिताना मुश्किल है, क्योंकि दो सेकंड में आप पॉपकॉर्न, ठीक है जी। तो हमें कैसे पता है कि उनकी शेप कैसी है, दिखता है, और हमें ये भी कैसे पता लगा कि बाकी कैसे लगते हैं और वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ओह, हेलो मुसअब, आपके साथ हमें साइंस क्विज़ की समर कैंप में बहुत मजा आया था और आपने तो सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है। असल में हम साइंसदान कायनात में मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स और दूसरी चीजें, इवन जो हमसे बहुत दूर हैं, उनके बारे में जानने के लिए कुछ खास टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बहुत बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से ये जान सकते हैं कि हमसे दूर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर की सरफेस कैसी दिखती है। ये टेलीस्कोप्स बहुत एडवांस होते हैं और जमीन पर मौजूद बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज का हिस्सा होते हैं, जैसे कि केक ऑब्जर्वेटरी और ELT ऑब्जर्वेटरी। और तो और हमने कुछ टेलीस्कोप स्पेस में भी भेजे हैं, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और JWST, जो इंफ्रारेड जैसी टेक्निक से हमारे लिए प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बहुत सी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स और दूसरा डेटा कलेक्ट करता है। तो जनाब, इस एपिसोड में हमने बात की सितारे ट्विंकल क्यों करते हैं, और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स में से सितारों की रोशनी गुजरते हुए रिफ्रैक्ट होती है। फिर हमने ये भी देखा कि कायनाती टुकड़े में अगर आप स्पेस में चले जाएं तो स्टार्स ट्विंकल नहीं करेंगे। उसके अलावा आपके आसमान में गर्मियों के इस आसमान में हमें क्या दिखेगा, और आखिर में आपके सवाल में हमने बात की कि भाई हमें कैसे पता कि जो चीज हमें नजर आ रही है वो कोई प्लैनेट है या स्टार। तो इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस शानदार कायनात में अगली कायनात किड्स खबरों तक इंतजार कीजिए।